नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। आपका टेक गुरु में स्वागत है और आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ वीओ टेक्नोलॉजीज का जो ग्लोलेड टीवी है उस लॉन्च के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीवी के बेसिक थिंग से जिसका नाम है रिमोट। रिमोट में यहाँ पर मैं बात करूँ, व्यू हमेशा से ऐसे रिमोट्स लेकर आता था जिसके अंदर सारे आइकन, पिक्चर आइकन, साउंड आइकन, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सबके बटन साफ दिखते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार इसके अंदर वाईफाई का आइकन ऐड है, यानी कि आप आराम से इसे टैप करें, अपना वाईफाई कनेक्ट करें और टीवी के साथ आप उसे देखते रहें। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टीवी का प्रोसेसर है। अब टीवी के प्रोसेसर में यहाँ पर इन्होंने वीयू 1.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर ऐड किया है। इस प्रोसेसर की वजह से आप अपने टीवी में किसी भी तरह का कैमरा जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप फैमिली मोड पर कोई भी वीडियो जो है वो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर खींच सकते हैं और साथ ही में आप गेम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अगर इस रिमोट को देखा जाए, रिमोट इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे आपको फैमिली मोमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर टेक फोटोज़ विद फैमिली भी है, साथ ही में वीडियो मैसेज टू फैमिली भी है। अब हम इसे ऑन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं फ़ोटो वीडियो, राइट। अब फ़ोटो के लिए आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियो के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वीडियो के लिए किस तरह से करना है। आप क्या करेंगे, वीडियो का ऑप्शन लेंगे, ओके करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही आपको आपकी वीडियो नज़र आ जाएगी। 30 सेकंड्स के लिए इसके अंदर रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस रील को क्रिएट करने के बाद अपना गाना म्यूज़िक प्लेलिस्ट से निकाल कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज इसकी 16 GB है जो कि आम टीवी से ज़्यादा है। अब हम हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर आईफोन है आपके पास या एंड्रॉयड है, आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं और साथ में आप अपनी स्क्रीन यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपके फ़ोन के सारे ऐप्स आप बड़ी स्क्रीन पर शेयर करके देख सकते हैं। YouTube, Instagram और OTT प्लेटफॉर्म्स आप बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं। इसे ब्लूटूथ या एयरप्ले के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब मैं करने वाली हूँ ग्लोलेड टीवी का सैमसंग के साथ कंपेयर, जो कंपनी ने खुद ही कंपैरिजन चार्ट रखा है। अब इसके अंदर ग्लोलेड व्यू ग्लोलेड में कौन कौन सी चीज़ें हैं और सैमसंग के क्रिस्टल 4 के विविड प्रो में कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, उसका पूरा एक कंपैरिजन चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर डोल्बी विजन है, यानी कि ग्लोलेड में डोल्बी विजन है। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से कलर ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, साथ ही में आपको वैरायटी ऑफ कलर्स जो है स्क्रीन पर नज़र आते हैं। ये सबसे बढ़िया जो विजन कहा जाता है उसमें से डोल्बी विजन एक माना गया है। अब सैमसंग में ऐसा नहीं है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी साउंड आउटपुट की। इसमें 24 वॉट का साउंड है और इसमें 20 वॉट का साउंड है। वहीं पे DTS वर्चुअल एक्स जो है इसके अंदर है, सैमसंग में नहीं है। साथ में अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज के मामले में भी ग्लोलेड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 16 GB का मेमोरी है और वहीं पर 8 GB का मेमोरी आपको मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.3 है, वहाँ पे 5.2 है। साथ ही में क्रिकेट सिनेमा मोड है। क्रिकेट सिनेमा मोड में क्या होता है, क्रिकेट की जितनी भी बारीकियाँ हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं और सिनेमा मोड में आप जो सिनेमा का लुत्फ है वो घर में ही उठा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गूगल मीट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि आप आराम से वो जो हमारा जो कैमरा है जिस प्रोसेसर के कारण लग सकता है, आप एक अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें गूगल TVOS है और उसमें टाइजन है। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 35% हायर भी है प्राइसेस सैमसंग के। ये चार्ट जो पूरा है ये रेडी किया है कंपनी ने खुद और ये सारे कंपैरिजन जो है वो व्यू ग्लोलेड और सैमसंग के क्रिस्टल 4 के विविड प्रो के साथ है।